Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ Shiny and welcome back to yet another makeup video जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक no makeup look जो कि trending भी है और काफ़ी useful भी है. summer season के लिए एकदम appropriate है. day time के लिए, daily wear, office wear के लिए तो perfect है ही. आप इसे dress up भी कर सकते हैं, dress down करके daily wear के लिए भी आप इस makeup look को carry कर सकते हैं. so without wasting any time, let's just get into the video. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारे काफ़ी अफोर्डेबल है एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर जस्ट अंडर ₹500. कुछ प्रोडक्ट्स तो ₹200 के अंदर भी है. सो दिस इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल. मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करूंगी आप लोगों के साथ. सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर टीनेजर्स एज वेल. सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. नो मेकअप लुक में आपका जो स्किन है वो पूरा शो होगा और स्किन पर आप ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा आप कंसीलर नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज योर स्किन शुड बी स्किन लाइक. तो इसी वजह से आपका जो स्किन केयर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा, विच इज़ वाई आई हैव वॉश्ड माई फेस विद अ माइल्ड फेस वॉश एंड फिर मैं अपने फेस पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक मॉइस्चराइजर. आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट डे टाइम के लिए मैं इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ, विच इज़ वाई सनस्क्रीन इज अ मस्ट. और समर सीजन में विदाउट सनस्क्रीन डू नॉट स्टेप आउट फ्रॉम योर होम. मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ लोटस बोटानिकल्स विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग मैट फ्लूइड सनस्क्रीन विद SPF 50. इस सनस्क्रीन में कोई प्रिजर्वेटिव, कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है एंड दिस इज कम्प्लीटली मैट, विच इज वाई आई लव यूजिंग दिस. क्योंकि मेरी स्किन ड्राई होने के बावजूद मैं कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ तो जनरली मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा पैची और ऑयलीनेस मैं फील करती हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड आई एम श्योर किसी को भी वो पसंद नहीं होगी. बट दिस सनस्क्रीन इज कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि ये एकदम मैटिफाई कर देता है आपके फेस को, बिल्कुल भी ऑयलीनेस या पैचीनेस नहीं देता. आप लोग देख सकते हैं मैंने इस वक्त भी इस सनस्क्रीन को अप्लाई किया है एंड माय फेस इज नॉट एट ऑल लुकिंग ऑयली और पैची जो कि नॉर्मल सनस्क्रीन इस्तेमाल करके हो जाता है, बट दिस इज कम्प्लीटली मैट. इसमें आपको SPF 50 का प्रोटेक्शन मिलने के साथ साथ PA++ का भी प्रोटेक्शन मिलेगा. दिस इज पैराबेन फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, विच इज विटामिन सी. विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग करने के साथ साथ ये जो सनस्क्रीन है ये आपको सन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज अ टू इन वन. तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव फॉर दिस समर सीजन. तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. मैंने इसके बारे में इतना ज्यादा इलाबोरेटली आप लोगों के साथ शेयर किया है बिकॉज आई थिंक समर्स के लिए एक सनस्क्रीन और गुड मैटिफाइंग सनस्क्रीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एवरी स्किन टाइप ऑफ पीपल वुड लव दिस सनस्क्रीन. इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है जो कि बहुत इजीली आपके स्किन पर अब्जॉर्ब भी हो जाता है. एट द सेम टाइम ये बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं देता. दिस इज अ मैटिफाइंग सनस्क्रीन और ये डार्क स्पॉट्स को भी प्रिवेंट करता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फोटो एजिंग. नेक्स्ट अपने फेस को प्राइम करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है NY Bay ग्रीन कलर करेक्टिंग प्राइमर. इसके और दो वेरिएंट्स है मेरे पास, ऑरेंज वाला है और येलो वाला. तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं, स्किन को इतना ज़्यादा स्मूथ बना देता है एंड इट प्रेप्स योर स्किन परफेक्टली फॉर दैट स्मूथ कैनवस जहाँ पर मेकअप ईजिली ग्लाइड हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है. नेक्स्ट मैंने ये फाउंडेशन इस्तेमाल किया है, ये है NY Bay का फाउंडेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड काफ़ी नेचुरल फिनिश है इसका. जो फाउंडेशन है मैंने उसे एज अ BB क्रीम अप्लाई किया है. आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई भी मेकअप टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट मैं हाथ से उसे मसाज कर रही हूँ अपनी स्किन पर जस्ट टू इवन आउट माई स्किन टोन ताकि जब मैं कंसीलर अप्लाई करूँ तो कंसीलर अलग से पॉपअप ना हो, एकदम ब्लेंड हो जाए ईजी तरीके से. तो ये हैक आप जरूर ट्राई कीजिएगा. एक फाउंडेशन को कम अमाउंट में लेकर अपने फेस पर डॉटेड डॉट्स में अप्लाई कीजिए, नेक को ना भूलिए एंड देन जस्ट आपको उसे फिंगर टिप से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है जैसे हम लोग क्रीम जनरली ब्लेंड करते हैं. एंड जो नो मेकअप लुक है ना उसमें आपका जो स्किन है, आपका जो बेस मेकअप है वो परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट मैंने कंसीलर अप्लाई किया है बहुत ही कम क्वांटिटी में, ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. मेरा जो शेड है वो है सैंड सेबल. ये वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स है जो कि इतना अफोर्डेबल है. मैंने सिर्फ अपने अंडर आई रीजन पर जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया है और अपने पिगमेंटेड एरियाज पर थोड़ा सा अप्लाई करके मैं फिंगर टिप से उसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू कैन सी हाउ इजिली इट जस्ट ब्लेंड्स इन टू योर स्किन. काफ़ी स्किन लाइक फिनिश है इसकी एंड द शेड इज ऑल्सो परफेक्ट मैच. आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल मेरा बेस अभी दिख रहा है. इट्स
क्लोज टू माई स्किन ओनली। और फिर मैं मेबलिन फिटमी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 220 और इसे मैं सिर्फ डैप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन आर्टिस्टो जो ब्राउ पेंसिल एंड स्टाइलर है उससे उसका जो स्पूली वाला पार्ट है उससे मैं पहले कॉम करूँगी अपने आईब्रोज़ को एंड देन मैं जो प्रोडक्ट है उसे मैं धीरे धीरे करके फिल इन करूँगी नेचुरल स्ट्रोक्स में, जैसे मेरा ही नेचुरल आईब्रोज़ है बट इन अ बेटर वे। तो हल्के हाथों से मैं अपने नेचुरल आईब्रोज़ को जस्ट शेप करूँगी इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहते हैं तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट लिया है और यहाँ पर जो मिडल वाला शेड है जो कि ट्रांजिशन शेड है, एक बहुत ही ज़्यादा लाइट पीच कलर है, उसे मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करके, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो आई शेडो ब्रश है वो कितनी हल्की तरीके से मैंने उसे पकड़ा है ताकि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आई लिड पर अप्लाई हो पाए। आई शेडो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने ये आई लैश कर्लर लिया है, ये है वेगा का आई लैश कर्लर जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अमेजन पे मिल जाएगी। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट अगर आप ये स्टेप करते हैं तो आपका जो आई गेम है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, नेचुरली काफ़ी खूबसूरत लगता है आईज। नेक्स्ट मैंने ये मार्स का मस्कारा अप्लाई किया है, ये मस्कारा मुझे पर्सनली अच्छा लगता है बट इसे इस्तेमाल करने से पहले मैंने जो एक्सेस मस्कारा है वो वांड से मैंने इस तरह से रिमूव करके फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई चंकीनेस ना आए और बिल्कुल नेचुरल लैशेस ही लगे। फॉर माई ब्लश अगेन मैं इस स्विस ब्यूटी पैलेट से ही जो ट्रांजिशन शेड है उसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी हाई चीक बोन एरिया पर। मैं ब्लश को चीक्स पर से ज़्यादा मैं हाई चीक बोन एरिया पर अप्लाई करती हूँ ताकि वो लिफ्ट मिले। नेक्स्ट मैं कीरो ब्यूटी का ये जो टेरा रेड शेड है इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर, जस्ट डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे इसका जो टिंट है वो मिले एंड जो इसका डीप पिगमेंटेशन है वो मुझे आज नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ नो मेकअप मेकअप लुक। आप चाहते हैं तो इस लिपस्टिक को किसी भी लिप टिंट के साथ भी स्किप कर सकते हैं, लिप टिंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल स्टेप इफ़ यू विश। आप हाइलाइटर को स्किप करके कोई भी स्ट्रोब क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप मेकअप अप्लाई कर रहे थे मतलब फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप स्ट्रोब क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर यह हाइलाइटर काफ़ी हल्के हाथों से अप्लाई किया है ताकि जो मेरे चीक्स है उस पर ही सिर्फ एक हल्का सा ग्लो आए। लास्ट एंड फाइनल स्टेप हैज़ टू बी दिस वन, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स मेकअप फिक्सर स्प्रे और ये मेकअप फिक्सर काफी अच्छा है। आई लव द फ्रेग्रेंस ऑल्सो एंड इट इज सो अफोर्डेबल। मेकअप फिक्सर बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन, आपके फेस से जो मेकअप है उसे मेल्ट होने से ये रोकता है एंड काफी ज्यादा नेचुरल एंड ड्यूवी लुक भी देता है। एंड यू ऑल कैन सी दिस इज माई फाइनल फिनिश्ड लुक, काफी ज्यादा नेचुरल है। इट्स अ समर डे टाइम, बहुत ही ज्यादा क्यूट सा एक लुक है जो ज्यादा भी नहीं है, येट आप इसे अगर डेली बेसिस पर करते है तो सिर्फ 5 या 10 मिनट चाहिए। यू कैन माइनस सम स्टेप्स, यू कैन ऐड सम स्टेप्स। सो गाइस आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।